Today I'm here with part 2 of the lesson The Little Bully, that is from unit 8. Students, today we will do exercises of this lesson. I had already explained the lesson with its word meanings, so you have to listen to me very carefully. Here comes first exercise given under the title Reading is Fun. Students, here are MCQs, that means multiple choice questions. You have to put tick mark on the correct answer. First one is here, why did all the children hate Hari? Sabhi bacche Hari se hate kyu karte the? First one, because he would not talk to anyone. Yani, vah kisi se baat nahi karta hoga. Second, because he always pinched them, क्योंकि वह हमेशा उनको चुटकी भरता था. Third, because he loved stealing their food, क्योंकि उसे उनका भोजन चुराना पसंद था. Correct answer is second one. So you have to put tick mark on second option, because he always pinched them, क्योंकि वह उनको सदा चुटकी भरता था. Here comes second question. Nobody took Harry's hand. Nobody went near him. Nobody played with him. हाथ अपने हाथ में नहीं लिया, कोई उसके पास नहीं गया, कोई उसके साथ खेला नहीं. इससे पता चलता है कि हैरी के कितने मित्र थे. बहुत सारे, कुछ या कोई भी नहीं, कोई फ्रेंड नहीं था. करेक्ट आंसर इज नो फ्रेंड्स. सो पुट टिक मार्क है. थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन राइट देम डाउन. आपको इन ऑप्शंस में से उन ऑप्शंस को टिक करना है जिन एक्शंस को करके आप अच्छे मित्र बन सकते हैं या बना सकते हैं, और बाकी को क्रॉस कर देना है. और जो सही है उनको नीचे दिए गए ब्लैंक्स में अपने से आपको लिखने हैं. यू हैव टू डू राइट them in the given blanks. First one is respecting other people. Yes, it's very good thing. आप दूसरे लोगों की मदद करके मित्र बना सकते हैं. So put tick mark here. Second option, eating a small child's tiffin. एक छोटे बच्चे का टिफिन खाकर क्या आप उसे फ्रेंड बना सकते हैं? No, it's very bad thing. So put cross here. Next, calling people rude names. यानी लोगों को बुरे नाम से पुकारना, इज इट ए गुड थिंग? नो. सो पुट क्रॉस हेयर. नेक्स्ट, पुशिंग अ स्मॉलर बॉय एंड मेकिंग हिम क्राई. एक छोटे बच्चे को धक्का देना और उसे रुला देना, दिस इज वेरी बैड थिंग. सो पुट क्रॉस हेयर. नेक्स्ट, बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन. यानी हर एक की मदद करके, यस यू कैन मेक फ्रेंडशिप by doing this action. So put tick mark here. Yani, अपने स्कूल में अपने कक्षा में साथ पढ़ने वाले साथियों की मदद करके, yes you can make friendship with them. So put tick mark here. Next, mocking at the friends and hurting their feelings. यानी मित्रों का मजाक बना के और उनकी भावनाओं को खिलवाड़ करके क्या आप उन्हें मित्र बना सकते हैं? नहीं. ठीक है, किसी का दिल दुखाकर आप किसी को फ्रेंडशिप नहीं कर सकते, आप किसी के साथ भी. सपोर्ट क्रॉस है. नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन. यानी एक कमज़ोर व्यक्ति की सहायता करके आप उसे मित्र बना सकते हैं? यस यू कैन डू द सेम. So put tick mark on the sentence protecting a weaker person. Now you are to write these correct options in the given blanks yourself. Next, it very carefully. First one is S.
S letter is given to write opposite of number 1 smile, that is scowl, S-C-O-W-L. Next, second, happy. By letter M, you are to write here miserable, M-I-S-E-R-A-B-L-E. Next, third question, that is across, quiet. Quiet means होता है चुप होना. तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? N से होगा noisy, N-O-I-S-Y. Next, फोर, नंबर फोर, स्ट्रोंग. स्ट्रोंग के लिए यहाँ W लेटर दिया हुआ है. W से आप बनाएंगे वीक, W-E-A-K. ठीक है. नेक्स्ट, पनिश. पनिश मीन्स होता है सजा देना. इसका अपोजिट क्या होगा? रिवार्ड, R-E-W-A-R-D. ओके बेटा, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. हेयर इज सेकेंड क्वेश्चन अंडर द टाइटल वोकेबलरी. हैरी है वॉज पिंच्ड मीन्स हैरी फेल डाउन इन पेन, यानी हैरी दर्द के मारे गिर गया. सेकेंड, देयर वर ब्रूसिस ऑन हिज बॉडी, उसके शरीर पर घाव हो गए, ही वॉज इंजर्ड. थर्ड, हैरी पेंटेड हिमसेल्फ इन कलर्स, हैरी ने अपने आप को रंगों से पेंट कर लिया. फोर्थ, हैरी हैड अ ब्लैक एंड ब्लू शर्ट, हैरी के पास एक काली और नीली कमीज थी. स्टूडेंट्स, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. देयर वर ब्रूसिस ऑन हिज बॉडी, यानी जब उसको पिंच किया गया हैरी को, तो वो ब्लैक एंड ब्लू हो गया, और यानी उसके शरीर पर घाव हो गए. ही गॉट इंजर्ड. थर्ड क्वेश्चन, आई शैल नॉट पिंच एनी वन एनी मोर. शैल नॉट मीन्स, हेयर आर फोर ऑप्शंस, शैल, शुड, शैल नॉट, विल नॉट. एक सेंटेंस दिया है आपको जहाँ हैरी कहता है कि मैं अब किसी को पिंच यानी चुटकी नहीं भरूंगा. यहाँ शैल नॉट का मीनिंग क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर है शैल नॉट. सो यू आर टू पुट टिक मार्क ऑन द थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट, गिव द फुल फॉर्म्स ऑफ वॉन्ट, यानी आपको फुल फॉर्म बतानी है. वॉन्ट का की फुल फॉर्म होगी विल नॉट. नेक्स्ट, वरंट, इट्स फुल फॉर्म विल बी वर नॉट. थर्ड, वुडंट, यू आर टू राइट है वुड नॉट सेपरेटली. नेक्स्ट, कुडंट, यू आर टू राइट है कुडंट, कुड नॉट. ओके बेटा, नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, अ गर्ल वॉज सिटिंग क्वाइटली बिसाइड हिम, हैरी लेप्ट टू हिज फीट. लड़की चुपचाप उसके पास बैठी थी, हैरी अपने पैरों की तरफ झुका, जोर से रोते हुए, बहुत तेजी से रोते हुए. द वर्ड्स क्वाइटली एंड लाउडली टेल अस हाउ एन एक्शन इज बीइंग डन. क्वाइटली और लाउडली हमें ये बता रहे हैं कि कार्य कैसे किया जा रहा है. यानी ये क्या है आपकी एडवर्ब्स, जिनको हम आपके ग्रामर बुक में भी करेंगे. यू हैव टू फाइंड फाइव मोर वर्ड्स एंडिंग इन एल वाई विच डिनोट हाउ समथिंग इज डन. आपको एल वाई ऐड करते हुए पांच शब्द और बनाने हैं जिनसे ये पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है. फर्स्ट वन, यू हैव टू राइट हैप्पीली. जब हम हैप्पी से एडवर्ब बनाते हैं एल वाई लगाकर, तो वाई को रिमूव करके आई लगा देते हैं. यू हैव टू राइट H-A-P-P-I. नेक्स्ट, एंग्रीली. एंग्री में भी वाई होता है लास्ट में, तो वाई को रिमूव करके हम क्या कर देंगे, A-N-G-R-I. एल वाई पहले से ही है, तो आपको वो दोबारा राइट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. नेक्स्ट, हार्डली, H-A-R-D-L-Y. नेक्स्ट, नंबर फोर, यू हैव टू राइट ईगर. By adding ly, it will become eagerly.
यानी उत्सुकता से. नेक्स्ट यू आर टू राइट है स्ट्रोंग. नंबर 5 स्ट्रोंगली. बाय एडिंग एल वाई इट विल बिकम स्ट्रोंगली, यानी बड़ी ही ताकत से कोई कार्य करना. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. हेयर सम वर्ड्स आर गिवन इन द बॉक्स. यू आर टू एड एल वाई विद देम एंड मेक न्यू सेंटेंसेस. ठीक है, फर्स्ट वन इज क्लियर. यू आर टू राइट क्लियरली. सेंटेंस विल बी डू योर वर्क क्लियरली. नेक्स्ट मैरी. मैरी मीन्स होता है खुशी से. एंड यू आर टू राइट है मैरीली. एम ई आर आर आई एल वाई. वाई वर्ड जो है, लेटर जो है आपका मैरी में, उसको रिमूव कर देंगे, उसकी जगह हम लिखेंगे आई एंड इट विल बिकम मैरीली. सेंटेंस विल बी आई डांस मैरीली. नेक्स्ट वेरी से हम बनाएंगे वेरीली. डब्ल्यू ई ए आर आई एल वाई. एंड सेंटेंस विल बी ही कंप्लीटेड हिज ड्यूटी वेरीली, यानी उसने अपनी जो ड्यूटी है बड़ी ही परेशानी से, बड़ी ही मुश्किल से. ही गोट टायर्ड. वेयरली का मतलब क्या होता है? थक जाना. थक के वो अपना ड्यूटी करके थक गया. बहुत थकान के साथ उसने अपनी ड्यूटी को पूरा किया. नेक्स्ट डबली. डबल से क्या बनाया हमने? डबली, यानी डबल डबल करना, कोई काम दो बार कर देना. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई रोट द सम डबली. मैंने एक सम को दो बार लिख दिया. नेक्स्ट बहुत ही उसने उदासी से बात की. सैडनेस, फुल ऑफ सैडनेस. नेक्स्ट ब्राइट से हम क्या बनाएंगे? ब्राइटली. द सन शोन ब्राइटली, यानी सूर्य बहुत तेजी से चमका. नेक्स्ट बैड. बैड से क्या बनेगा? बैडली. द कार वॉज डैमेज बैडली. नेक्स्ट फोन. फोन से हम क्या बनाएंगे? फोनली, यानी जब हम किसी के लिए प्यार या लव या अफेक्शन दिखाते हैं अपना, तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? फोनली. सेंटेंस इज ही टॉक्स फोनली ऑफ हिज ग्रैनी, यानी वह जब अपनी माँ की बात बताता है, दादी माँ की बात, तो वह बड़े ही प्यार से बताता है. ठीक है, नाउ कम ऑन नेक्स्ट टाइटल. फन विद साउंड्स. लेट्स प्रैक्टिस विद पी एंड एफ. यू आर टू स्पीक लाउडली दीज वर्ड्स विच आर स्टार्टिंग विद पी एंड एफ. प्लीज्ड, प्रिक्ड, पिंच्ड, पनिश्ड. एफ से कौन से हैं हमारे पास? फैट, फ्रूट, फेल, फॉरगॉटन. अगेन फ्रॉम पी लेटर, पाम, पेयर, प्राउड, परेड. एफ से फिर से हैं फॉर्म, फेयर, फ्राउन, फिश. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. कंप्लीट द ब्लैंक्स विद द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग एंड प्रैक्टिस अलाउड. अब आपको ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, इनसे राइम यानी धुन मिलते हुए, स्वर मिलते हुए आपने और शब्द लिखने हैं और उनकी प्रैक्टिस खुद से तो जोर जोर से. क्रिएचर्स. यू आर टू राइट है फीचर्स. नेक्स्ट कैरिज. फ्रॉम लेटर एम यू आर टू राइट है मैरिज. नेक्स्ट टीचर्स. राइट है प्रीचर्स. नेक्स्ट प्रॉन. प्रॉन क्या होता है? एक फिश होती है. इसके जैसा सिमिलर वर्ड आपका कौन सा हो गया? डी से ड्रॉन, यानी खींचना. वाउट यानी कसम खाना. इसका सी लेटर से क्या हो जाएगा? काउट, यानी जब हम गाय का दूध निकालते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? काउट. ओके बेटा, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. हाउ डिड द सी साइड क्रिएचर्स द क्रैब द लॉबस्टर एटसेट्रा टीच हैरी अ लेसन. यानी आपने जैसा कि स्टोरी में पढ़ा,
केकड़ा लॉबस्टर वगैरह जो मछलियाँ थी उन्होंने हरी को सबक कैसे सिखाया. राइट इन ए फ्यू लाइन्स. आपको कुछ शब्दों में कुछ लाइनों में यहाँ लिखना है. यू आर लाइक मी एज आई हैव रिटन हेयर. द क्रैब द लॉबस्टर श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स पिंच्ड हरी हार्ड. दे पिंच्ड टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू एंड क्राइड इन पेन. देन ही रियलाइज्ड हाउ पिंचिंग हर्ट्स. यानी केकड़े लॉबस्टर और मछलियों ने उसको हरी को चुटकियाँ भरी बहुत सख्ती से और वो जब तक उसे पिंच करते रहे चुटकी भरते रहे जब तक कि वो उसका शरीर काला और नीला नहीं पड़ गया दर्द के मारे. यानी वो बहुत तेज़ी से दर्द से Now, here comes second question under the title. Let's practice some writing. Read these sentences carefully. I ate an apple. आपको इन sentences को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है. इसमें क्या है? Articles हैं आपके. मैंने एक सेब खाया. A boy is standing under the tree. एक लड़का पेड़ के नीचे खड़ा है. The sun rises in the east. सूर्य पूर्व से उदय होता है. A and an do not point out any definite or particular person. जो a letter है और an है जैसा कि आपने ऊपर sentences में देखा ये एक particular person के लिए या और thing whereas किसी चीज़ के लिए नहीं होता है. यानी कोई निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में नहीं पता चलता है हमें उससे तो वो कौन सा हो गया आपका इनडेफिनेट आर्टिकल. द इज यूज व्हेन वी स्पीक ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. द का यूज़ हम कब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति विशेष या चीज़ विशेष के बारे में बात करते हैं. सो ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. ये आपके तीनों वर्ड्स आर्टिकल कहलाते हैं. ठीक है. वी विल डिस्कस दिस स्टेप इन योर ग्रामर बुक आल्सो. सो यू आर टू रिमेंबर एन इज यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ वोवल अ ई आई ओ यू. जैसा कि आपको पता ही है इंग्लिश अल्फाबेट में आपके कितने लेटर्स वर्ड्स होते हैं जो इनसे स्टार्ट होते हैं तो एन का यूज़ होता है और बाकी सब होते हैं कंसोनेंट्स. हिंदी में जैसा कि आप पढ़ते हो वर्णमाला में क्या होते हैं कितने 44 आपके लेटर्स होते हैं जिसमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं. इन स्वरों को हम इंग्लिश में वॉवल कहते हैं लेकिन इंग्लिश में 5 होते हैं और कंसोनेंट्स आपके 21 यानी व्यंजन होते हैं. ठीक है. तो अब आपको क्या करना है. नाउ फिल द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स. आपको उचित आर्टिकल के साथ इन सेंटेंसेस में फिल करना है. हैरी वॉज डैश अनपॉपुलर बॉय. अनपॉपुलर यानी किसी अप्रसिद्ध होना. ठीक है. ये यू लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे एन. नेक्स्ट द बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू डैश सी साइड फॉर अ पिकनिक. लड़के और लड़कियाँ समंदर के किनारे पिकनिक मनाने गए. अब समंदर के किनारे क्या एक विशेष जगह है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे द. नेक्स्ट ही सा डैश बिग क्रैब कमिंग टुवर्ड्स हिम. उसने एक बड़े क्रैब को अपनी तरफ आते हुए देखा. तो ये आपका ये क्या है यहाँ पर क्या लगाएंगे अ से क्योंकि बिग में बी जो है वो कंसोनेंट है क्यों अ ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सभी लेटर्स आपके कंसोनेंट्स कहलाते हैं बेटा. ही सा ये हो गया आपका ही सा अ बिग क्रैब कमिंग टुवर्ड्स देम. नेक्स्ट आई फाउंड डैश एम्प्टी बॉटल. एज यू कैन सी हियर एम्प्टी वर्ड स्टार्ट्स विद लेटर ई सो यू आर टू राइट हियर एन.
फ्लोटिंग इन द वाटर, जो कि पानी में तैर रही थी. नेक्स्ट, डैश सी क्रिएचर्स एट हिज फूड, यानी समंदर के प्राणियों ने अपना उसका भोजन खा लिया. विशेष है ये, पर्टिकुलर थिंग है. सो यू आर टू राइट है द. नाउ द सेंटेंस विल बिकम द सी क्रिएचर्स एट हिज फूड. हेयर कम्स थर्ड क्वेश्चन. अ क्रैब हैज अ हार्ड शेल वेयर एज अ फ्रॉग डजंट हैव वन. यानी एक केकड़े की तो हार्ड शेल होती है लेकिन मेंढक की नहीं होती. देयर आर मैनी एनिमल्स दैट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज विद देयर आउटर कवर और शेल्स और क्विल्स. यानी एक केकड़ा जो होता है उसकी तो सख्त शेल होती है, एक उसकी परत होती है उसके ऊपर, जबकि एक मेंढक की नहीं होती. ऐसे ही और भी प्राणी होते हैं जो अपने ऊपर जो उनका कवर होता है या शेल होती है या क्विल्स होती हैं यानी पंख, तो वो उनसे अपना बचाव कर लेते हैं, परत जो होती है. कौन कौन से हैं इनमें, यहाँ आपको बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं आपको सर्कल करने हैं. फर्स्ट वन इज़ क्रोकोडाइल, सेकंड स्नेल, नेक्स्ट लिजार्ड, छिपकली का नहीं होता बेटा ऐसा, स्नेक, स्नेक की होती है जो स्किन होती है बड़ी मोटी होती है उससे वो अपना बचाव कर लेता है. नेक्स्ट टर्टल, टॉर्टोइस, गोरिल्ला की नहीं होती है. नेक्स्ट फ्रॉग की भी नहीं होती है. सो यू आर नॉट टू डू सर्कल देम. ये दोनों साही यानी रोडेंट्स होते हैं, ये रेंगने वाले जीव होते हैं कोई, तो इनको इनकी भी जो पिन पॉइंटेड स्किन शेल होती है उनसे वो अपना बचाव करते हैं. नाउ पेस्ट और ड्रॉ द पिक्चर ऑफ एनी वन एनिमल, राइट फाइव लाइंस अबाउट इट. आपको ये अपने आप करना है, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ. एक एग्जांपल है यहाँ, एक माय पेट डॉग, यू आर टू ड्रॉ पिक्चर और पेस्ट एनी पिक्चर एंड राइट फाइव लाइंस. लाइक मी, आई हैव अ पेट डॉग, इट्स नेम इज़ शीरो, इट्स ब्रीड इज कॉकर स्पेनियल, इट ईट्स एग्स एंड ब्रेड. नेक्स्ट, इट गेट्स डिलाइटेड व्हेन आई कम बैक फ्रॉम स्कूल. ओके बेटा, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. हेयर कम्स फर्स्ट क्वेश्चन. कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन अ टर्टल एंड अ टॉर्टोइस. आप सोचोगे दोनों का मतलब कछुआ होता है, टर्टल मीन्स भी कछुआ होता है और टॉर्टोइस मीन्स भी, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है. यू हैव टू राइट अ फ्यू लाइंस. फर्स्ट वन, ये आपका फर्स्ट वन कौन सा है, टर्टल है. ये कौन सा है आपका, टर्टल. ये आपका क्या है, टर्टल. ओके बेटा, और ये आपका क्या है, सेकंड टॉर्टोइस. टॉर्टोइस की स्पेलिंग क्या होती है बेटा, टी एस ई, इट इज टॉर्टोइस. ओके, वी आर टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एनिमल्स. जो टर्टल है आपका, उसके बारे में आपको राइट करना है, इट ड्वेल्स इन वाटर, यानी ये तो पानी में तैर भी सकता है. टॉर्टोइस, इट ड्वेल्स ऑन लैंड, यह जमीन पर रहता है. टर्टल, इट इज़ फाउंड इन अफ्रीका एंड अमेरिका, या अफ्रीका और अमेरिका में पाए जाते हैं ज़्यादा. टॉर्टोइस, इट इज़ फाउंड इन एशिया एंड अफ्रीका, यानी एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं. अबाउट टर्टल यू आर टू राइट हेयर, इट हैज़ लाइट वेट शेल्स. इसकी जो शेल होती है वो थोड़ी हल्के भार वाली होती है. फॉर टॉर्टोइस यू आर टू राइट हेयर, इट हैज़ डोम शेप्ड हैवी शेल्स. इसकी
डोम यानी एक गुफा की तरह शेल होती हैं और जो कि बड़ी ही भारी होती है। ओके बेटा, नाउ हियर इज फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, यूज इज एम आर प्लस आई एन जी टू मेक योर सेंटेंसेस, क्लूज आर गिवन इन द बॉक्स। आप जैसा कि ये पिक्चर भी देख रहे हैं और यहाँ पर आपको बॉक्स में कुछ वर्ड्स भी मिले हुए हैं, जैसे स्विंग, स्विंग मीन्स क्या है, झूला झूलना, सिट, सिट मीन्स बैठना, क्लाइंब मीन्स चढ़ना, लिक मीन्स चाटना, लॉलीपॉप लिक कर रहा है ना ये। नेक्स्ट स्लिड यानी झूले पर स्लाइड करना। नेक्स्ट किक यानी कोई आप किसी को मारते हो या किसी भी चीज़ को, सपोज यू आर टू राइट बाई लुकिंग एट एग्जाम्पल। फर्स्ट वन इज एग्जाम्पल, कृष्णा इज स्विंगिंग, कृष्णा झूला झूल रही है। यू फर्स्ट क्वेश्चन, मैरी इज डैश अप द स्लाइड, यू आर टू राइट एयर इज क्लाइंबिंग। नेक्स्ट हरी डैश एंड बॉक्सिंग हर, आपने जैसा कि पिक्चर में देखा क्या कर रहा था, वो उसको मार रहा था और बॉक्सिंग भी कर रहा था उसके साथ में, तो यहाँ आप राइट करेंगे इज किकिंग। नेक्स्ट लिटिल बिट्टू डैश और लॉलीपॉप, यू आर टू राइट हेयर इज लिकिंग। नेक्स्ट रीटा डैश डाउन द स्लाइड, यानी रीटा स्लाइड से नीचे आ रही है, यू आर टू राइट हेयर इज स्लाइडिंग। स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन्स एक्सरसाइज एंड आई थिंक यू हैव गॉट ऑल दीज एक्सरसाइजेस। वी विल मीट विद अ न्यू चैप्टर इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू आर टू डू ऑल द एक्सरसाइजेस इन योर बुक्स नीटली। बाय।